सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस आज तो अभी बहुत तेज धूप हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग, और मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ थोड़ा सा, और सुबह हल्की फुल्की बदली थी और अभी धूप अच्छी खासी हो चुकी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रिप के लिए सिर्फ एक दिन बचा है और बहुत सारा मुझे तैयारियाँ करनी है, बहुत सारा सारी तैयारियाँ भी बाकी हैं। तो अभी मार्केट भी जाना है, तो चलते हैं सबसे पहले अंदर, सारी तैयारियाँ करते हैं और मार्केट भी चलते हैं क्योंकि कुछ सामान लेना है मुझे, और देखते हैं कौन कौन सी तैयारी करनी है और क्या क्या लेके जाना है, सब कुछ पैकिंग करना है। चलिए फटाफट पहले अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या हो गया और क्या बाकी है, सब कर लेते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से थोड़ी थोड़ी देर पे। तो गाइज अभी मार्केट जाने का टाइम है और हम लोगों को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली जाना है, कल हम लोगों का टिकट है, सिर्फ एक दिन रह गया जाने को और बहुत सारा काम है, पैकिंग भी करनी है लेकिन पैकिंग बाद में करेंगे, अभी कपड़ा प्रेस करने के लिए मैंने इतना सारा यहाँ पे रखा हुआ है। तो पहले मार्केट चलेंगे, मार्केट से बहुत सारा सामान लेना है, मार्केट से सारा सामान लेके आते हैं, फिर उसके बाद कपड़ा प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद पैकिंग करेंगे, फिर उसके बाद आज फ्रेंच फ्राई भी बनाएंगे क्योंकि आज मेरा बड़ा मन कर रहा है फ्रेंच फ्राई खाने का। तो अभी चलते हैं मार्केट और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। मेरे कपड़े खराब कर दिए और एजन ने इनके कपड़े पे लिपस्टिक लगा दिया। चलते हैं मार्केट, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर। एजन ने लगाया, मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है, मैंने भी लगाया है, ये सब नहीं चलेगा इसमें वीडियो में। कहाँ जा रही हो? मार्केट। पान खाई हो ना? कौन पान खिलाया अजल? पान कौन खिलाया? अम्मा। अम्मा ले लो कपड़े का नाप बुढ़िया को देने के लिए, कपड़े तुम लेके आ रहे ठीक है? यार क्या क्या बोलती रहती हो, तुम्हारा हो गया बेटा, तुम तैयार हो गई, चलो आ जाओ। काफी टाइम से अजल परेशान कर रही, क्या चाहिए अजल, पॉलिश? कैसा पॉलिश? कोई भी सामान नहीं लेने दे रही, बस पॉलिश चाहिए। पॉलिश पॉलिश चाहिए ना? कौन सा पॉलिश चाहिए? नेल पॉलिश? ये नेल पॉलिश का दुकान नहीं बेटा, देख सकते हो ये परचून का दुकान है। हाँ परचून का दुकान ये। आज मुझे शादी में दिलाएगी जूते, क्यों जी? खुद के पैसे से कि मैं अपने पैसे से ले लूँ? अपने पैसे से ले लीजिए, तुम नहीं दिलवाओगे क्या बेटा? हम दिला देंगे, अपने पैसे से ले लीजिए। हम दिला देंगे, आप अपने पैसे से ले लीजिए। देखते हैं अभी जूते शूज लेने हैं अभी यहाँ पे अपने मार्केट में। पॉलिश मिल गया फ्री? हाँ ये पॉलिश के लिए रो रही थी, इसको पॉलिश मिला। पॉलिश दिखा दो बेटा। हाँ बहुत अच्छा पॉलिश है। तभी शूज देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, कुछ और सामान लेना है, जींस भी लेना है, क्यों जी? जींस लेते हैं, फिर शूज लेने के बाद जींस ले रहे हैं। स्पोर्ट्स शूज नहीं पहने हम कभी, आज तक खुद ही आपको नहीं पहनते हुए देखे 4 साल में। छोटा लग रहा है ये, छोटा लग रहा है ना, यहाँ से मुड़ रहा है, नहीं तो जबरदस्ती मत करिए। 5000 आ रहा है। हाँ छोटा ना है, देखने में ही छोटा लग रहा है, इतना आपका पैर इतना बड़ा है। फर्स्ट टाइम ही स्पोर्ट्स शूज लिया। कैसा लग रहा है लेने में? ठीक है, अच्छा लग रहा है लेकिन छोटा पड़ रहा है थोड़ा, छोटा ना देखिए, 11 नंबर का सोच लिए, देखते हैं। इसको भी ट्राई करके देख लीजिए। हाँ इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ढीला कर रहे हैं। 100 वही करें, इतना बड़ा पैर है, ये लग रहा है जाएगा ही नहीं क्या? ये तो जाएगा ही नहीं पैर, इतना बड़ा पैर लेके क्यों घूम रहा है? नहीं जा रहा ना, जाने दीजिए, जबरदस्ती क्यों डाल रहे? उस नाप के आए हैं ये राइट वाला ब्लैक व्हाइट, ये थोड़ा सा ये कंफर्ट ये महसूस हो रहा है इसमें, इसमें उतना नहीं कंफर्ट हो रहा है महसूस, देखते हैं जो आपको सही लग रहा है वही लीजिए। हम्म, ना जिसमें कंफर्ट है वही, ये वाला ज्यादा कंफर्ट महसूस हो रहा है, ये ब्लैक वाला। लेस वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, ये ले लेते रुबी वाला, फाइनली ये ब्लैक शूज पसंद है। दा उनके पेमेंट करी ठीक ले लेना। हम पानी पूरी खाएं? हां पानी पूरी खाएं, कब से इसको भूख लगा है पानी पूरी? पानी पूरी खाओगे बेटा? खा लो बेटा, हाफ प्लेट चाट क्या? चाट भी खाओगे? चाट दा बेटा। हां हाफ प्लेट निकाल ले, खा ला खा ला।
ये लो यार पटाखे। नहीं नहीं ये तो कोई आराम से बैठी हुई है, आज इनके मामू के दुकान पे आए, देख सकते हैं क्यों जी। ये ले लिया, ये ना ये ले लिया ना, पान वान लेना था, पान लेना था, फिर अभी देखिए फिर पालिस मांग ली लेने के बाद। पालिस ली हो ना, आज अम्मा इतने तरह का मिठाई दी है मुझे, एक मैं खा चुका हूँ, फिर ये खा रहा हूँ और ये मिठाई मुझे मिला है गुस्सा के अम्मा दी है। और का और बढ़िया मोबाइल खरीदे, तू रख लेना जी, बता बेकार हुई। 4000 रुपया अगर देना है तो दे दो, 4000 रुपया अगर देना है तो दे दो, दाम बढ़ जाता, 6000 मोबाइल नीलामी होता। मैंने सोचा कि अचानक दिमाग में प्लान आया कि मेहंदी लगवा लेते हैं, वैसे एक हाथ में नहीं लगवाए, तो अभी मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। और मार्केट से आते आते मैं इधर अपने ससुराल आ गई थी, कुछ काम था, तो मैं अपनी ननद से गुड़िया से मेहंदी लगवा रही हूँ, जो हमेशा मुझे मेहंदी लगाती हैं और बहुत अच्छा मेहंदी लगाती हैं, देख सकते हो आप लोग। अभी आधा लगा हुआ है, पूरा लग जाता है तो फिर से दिखाऊंगी पूरा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लग गया पूरा रूबी? हाँ लग गया, लग गया, आधा सूख गया है। अच्छा तो लगा है, अच्छा लगा है ना, ये सब घर का कमाल है। और फैमिली में एक लोग ऐसे होने भी चाहिए जो अच्छा मेहंदी लगा ले, और हम लोग को बहुत आराम रहता है क्योंकि घर पे ही मेहंदी लग जाता है, बिना पैसे का फ्री में लग जाता है। फ्री का बात नहीं है, कहीं जाना आना नहीं पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक तो लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा है ना। एजल का भी मेहंदी लग गया, मैं लगवाऊं और एजल ना लगवाऊं ये तो हो ही नहीं सकता। अपने फूफू से रोने लगी, मुझे भी लगाना है। ये भी लगा लिया, और फूफू थैंक यू लिया, फूफू को थैंक यू बोल, फूफू को थैंक यू बोलो, फूफू को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके ठेठ बोला, ठेठ समझ में आई। अच्छा फूफू को बोलो थैंक्स, बोलो फूफू को बोलो, अच्छा फूफू को थैंक यू बोलता, फूफू अच्छा बोलता, अच्छा शुक्रिया फूफू। कहाँ जाओगी? चल डीजे और देखे के, चलिए बाहर इसको भी दिखा देते हैं, हम लोग भी देखते हैं। मोहल्ले का कोई भी बारात होता है, मोहल्ले का क्या, उधर इस साइड से जो भी बारात जाता है कोई छूटता नहीं है, कोई नहीं छूटता है, हम लोग के दरवाजे पे रोड लाइट सजती है, रथ जो सस्ता है सब, दूल्हा भी यही सस्ता, हम लोग भी नहीं छोड़ते हैं, हम लोग भी नहीं छोड़ते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं और सारा बारात भी देखते हैं, बाहर देखते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं। और ये अभी देख के ही इसलिए बोल रही है कि और देखना है, और मुझे कहीं भी जाना रहता है ना यार, देखिए दाने निकल गए चेहरे पे बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, अच्छे लोग, चलिए पहले बारात देख के आते हैं। ओके, हमारे मोहल्ले में जब भी बारात आती है तो हम लोग के दरवाजे पे ही रोड लाइट सजता है और डीजे बजता है। किसी की व्रत हो, हम लोग खूब इंजॉय करते हैं, और इधर आप लोग देख सकते हैं कि दूल्हे साहब अपने रथ पे बैठ चुके हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं। ये कौन सा स्पेशल डिश बनाई हुई ले जाने के लिए, ले जाने ट्रेन में खाने के लिए, एकदम स्पेशल वाला नमकीन बनाया, जो बनाया था ना ब्लॉग में, उससे अच्छा वाला दिखा दीजिए। ये नंगू पंगू है तुम्हारी लड़की, तो पैंट नहीं बनाई क्या? आप बताइए कैसा बनाए घर पे, अच्छा लग रहा है ऐसे तो, अच्छा लग रहा है खाने में, और भी अच्छा है। और आगे पैकिंग हो गई, अभी खस्ता बना रही है अपनी ले जाने के लिए, और उधर एक मैंने बैग, एक बैग इधर, एक बैग बड़ा वाला इधर, बैग इसमें सारा कपड़ा है सभी का, और उसमें कुछ सामान है इसमें, और सारी पैकिंग हो गई है, बस थोड़ा बहुत बाकी है, और कुछ न कुछ तो रह ही जाता है पैकिंग करने के लिए, तो अभी खस्ता भी बन रहा है, चल के देखते हैं कि कैसे बन रहा है खस्ता, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में, थोड़ी सी और पैकिंग करके। वो बोलती हो ना फटाफट, फटाफट कर लेते हैं सारा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ और सारी तैयारियाँ लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, और अभी मैं थोड़ा सा पीछे आई थी, इधर देख सकते हो आप लोग, अमरूद लेने आई थी, मैंने सोचा जाते जाते आज अमरूद खा के ही जाऊँगी, और अभी सुबह का टाइम है और पूरा दिन थोड़ा बहुत तैयारियाँ करनी है, अमरूद है भी अभी ऊपर है, पका है एक दो,
तो बाहर का तो सारा अमरूद खत्म हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इधर वाले बाड़े से, अंदर वाले बाड़े से दो चार अमरूद खा लेते हैं, क्योंकि अब तो जा रही हूँ, पूरे 12 दिन बाद में आऊँगी। और अभी चलते हैं फटाफट अमरूद तोड़ लेते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, और इस वीडियो को ही पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।